वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्लज डिवाटरिंग स्क्रूप्रेस मशीन के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, स्लज डिवाटर करना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स में हमेशा से एक प्रॉब्लम का काम रहा है, और ये बहुत ही यूनिक मशीन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फुल्ली ऑटोमेटिक है, इजी टू इंस्टॉल है, कम स्पेस में इंस्टॉल हो जाता है और इसका ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है। तो आइए देखते हैं स्लज डिवाटरिंग स्क्रूप्रेस मशीन क्या है और किस तरीके से काम करता है। सो ये हमारे मशीन का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, और ये इनलेट पॉइंट है जहां से स्लज को पंप के थ्रू फीड किया जाता है। इस चैम्बर को हम फ्लो कंट्रोल चैम्बर कहते हैं। ये मशीन में स्लज के फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल चैम्बर से स्लज ओवरफ्लो होकर के फ्लॉक्यूलेशन चैम्बर में आता है, जहां पर हम पॉली इलेक्ट्रोलाइट का डोजिंग करते हैं जिससे स्लज के फ्लॉक्स बन जाते हैं। फ्लॉक्यूलेशन चैम्बर में ये स्टरर का अरेंजमेंट है जो कंटिन्यूसली मूव करता है, जिससे पॉली इलेक्ट्रोलाइट स्लज के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाता है। जब स्लज के प्रॉपर फ्लॉक्स बन जाते हैं तो वो फ्लो होकर के स्क्रू बॉडी में आ जाता है, जहां पर सॉलिड और वाटर दोनों सेपरेट होते हैं। ये गियर्ड मोटर है जो स्क्रू शाफ्ट को कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, और स्लज मूव करता हुआ यहाँ से आकर के बाहर आता है। यहाँ हम एक कंटेनर रखते हैं जिसमें स्लज जो है सो आकर के ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है। स्क्रू रिंग के गैप से स्लज वाटर बाहर आ जाता है। इस पॉइंट को हम इक्वलाइजेशन टैंक से कनेक्ट करते हैं। स्लज वाटर फ्लो होकर के इक्वलाइजेशन टैंक में चला जाता है यहाँ से, और इस तरह से हमारा स्लज डिवाटर हो जाता है। और अब देखते हैं इसका वॉशिंग कितना इजी है। ये स्प्रे नोजल्स हैं यहाँ पर, इसे हम सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू फ्रेश वाटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और टाइम टू टाइम ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, पानी का स्प्रे होता है और स्क्रू बॉडी क्लीन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था स्लज डिवाइडिंग स्क्रू प्रेस मशीन। और ज्यादा नॉलेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।